तरीके से ट्रांजेक्शन करते थे। पहले हम ये पढ़ेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, उसमें क्या प्रॉब्लम आई कि उसको बंद करना पड़ गया। उसके बाद मुद्रा क्या होती है, मुद्रा के क्या काम होते हैं, मुद्रा के कितने प्रकार होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हम आज हम पढ़ने वाले हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली जो है ये क्या होती है, किस चीज़ को जो है बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली, अगर हम इसकी बात करते हैं तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए एक लड़की है जिसका नाम सबा है, एक दूसरी लड़की है जिसका नाम मुस्कान है। सबा के पास जो है गेहूं है, मुस्कान के पास जो है चावल है। लेकिन सबा को जो है चावल चाहिए और मुस्कान को जो है गेहूं चाहिए। मतलब कि हाँ जी, हाँ तो मैं तो सारा करा रहा हूँ ना, देख पढ़ तो लो, पढ़ाना तो सारा ही है तुम का। देखो एक मिनट, मैं फिर शॉर्ट शॉर्ट में सारा बता देता हूँ जल्दी से। तो सभा को जो है, सभा के पास गेहूँ है, लेकिन इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए, इसको चाहिए चावल। ठीक है, मतलब कि जो इसको चाहिए वो मुस्कान के पास है और जो मुस्कान को चाहिए वो सभा के पास है। अगर दो ऐसे व्यक्ति कि जो तुझे ज़रूरत है वो मुझे चाहिए और जो मुझे ज़रूरत है वो तेरे पास है, अगर ऐसे दो व्यक्ति आपस में मिल जाते तो ट्रांजेक्शन, इसको वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से जाना जाता है। वस्तुओं से वस्तुओं की प्रत्यक्ष अदला बदली जो है वो वस्तु विनिमय प्रणाली जो है कहलाती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी कठिनाइयों की, इसकी कठिनाइयों की अगर हम बात करें तो ये सिस्टम को हमें बंद क्यों करना पड़ गया। सही चल रहा था जब मामला, ठीक है वस्तुओं से वस्तुओं को बदलो, पैसे की ज़रूरत ही क्या पड़ गई आदमी की। तो सबसे पहला और जो सबसे बड़ी इसकी जो कठिनाई है वो है दोहरे संयोग का अभाव। इसका मतलब क्या होता है दोहरे संयोग का अभाव, इसका मतलब ये होता है कि भाई एक ही टाइम पे ऐसे दो व्यक्तियों को ढूंढना कि जो इसके पास है वो इसको चाहिए और जो इसके पास है वो इसके चाहिए, ऐसे दो व्यक्तियों को ढूंढना बहुत ही ज़्यादा टफ काम होता था। इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन बहुत ही टेढ़ा काम है। ये इसकी सबसे बड़ी दिक्कत थी जिसकी वजह से इस सिस्टम को जो है बंद करना पड़ गया। दूसरा जो है जो बड़ी दिक्कत आई वो है विभाजन में कठिनाई, क्योंकि यहाँ पे बात चल रही है वस्तुओं की। आज अगर हमारे पास कोई बड़ा नोट होता है तो हम खुले करा लेते हैं, लेकिन वस्तुओं को तो विभाजित नहीं कर सकते, वस्तुओं का विभाजन पॉसिबल नहीं है, इस वजह से इसको बंद करना पड़ गया। तीसरा यहाँ पे जो है मूल्य संचय में कठिनाई। इसका क्या मतलब होता है मूल्य संचय में कठिनाई, भाई जो जो वस्तुएं दैनिक प्रकृति की होती है जैसे कि दूध, ब्रेड, अंडे, जो ये सारी वस्तुएं जो होती हैं, दूध, ब्रेड, अंडे, ये जो वस्तुएं होती हैं इसको हम लॉन्ग टर्म तक स्टोर करके नहीं कर रख सकते क्योंकि ये तो ख़राब हो जाएंगी। इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन तक ही रख सकते, इससे ज़्यादा तो नहीं रख सकते, तो वस्तु जो है वो ख़राब हो जाती है, उनके मूल्य में जो है अंतर आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो है सामान्य मूल्य मापक का अभाव। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि उस टाइम पे क्या होता था, जैसे कि आज तो हर चीज़ पैसों में होती है कि भाई 40 रुपये लीटर दूध है, 30 रुपये किलो चावल है, 20 रुपये मीटर कपड़ा है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। भाई मेरे हाथी की क्या वैल्यू है, या मेरे घोड़े की क्या वैल्यू है, या मेरे बकरी की क्या वैल्यू है, किसी को कुछ नहीं पता था। जिसकी वजह से अगर ये हाथी के बदले में घोड़ा दे रहा है, ये घोड़े के बदले में हाथी दे रहा है, किसको फ़ायदा हुआ किसको नुकसान हुआ कुछ भी पता नहीं चलता था। और लास्ट इसकी जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो है भावी भुगतान में कठिनाई। भावी भुगतान में कठिनाई का क्या मतलब है, भाई आज तो क्या होता है, आज हम काम करते हैं अगर कहीं पे, जैसे कि मान लीजिए अगर एक बंदा है, अगर वो नौकरी पर जाता है, ठीक है, तो भाई उसको पता है मैं 1 महीना काम करूँगा तो बदले में मुझे जितनी भी उसकी सैलरी है इतने पैसे मिलेंगे उसको, ये चीज़ तय है। ये चीज़ जो है तय है कि भैया 10,000 रुपये ही मिलेंगे। तो
लेकिन जब पैसे नहीं हुआ करते थे तो लोग किस तरीके से ट्रांजैक्शन करते थे, तो ये दिक्कत आती थी कि लोग ना तो उधार देते थे, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए एक सबा है और एक मुस्कान है, ठीक है। तो मुस्कान ने क्या किया, मुस्कान के पास एक बकरी थी, वो सबा को दे दी, ठीक है ना, बकरा था इसके पास, ये सबा को दे दिया कि ईद पे कर दिए उसका काम तमाम। तो मुस्कान ने तो इसको दे दिया, सबा ने बोला ठीक है मैं इसका कर दूंगी काम तमाम, लेकिन अभी मैं तेरे को बदले में कुछ नहीं देगी, मेरे पास पैसे वैसे पैसे तो उस टाइम पे था ही नहीं, मैं इसके बदले में जो तेरे को दूंगी अभी तो नहीं दे रही, लेकिन भविष्य में मैं तेरे को जरूर दूंगी, लेकिन अभी नहीं दे रही। अब क्या देगी ये नहीं पता, इसने नहीं बताया कि मैं ये तेरे को ये दूंगी, क्या देगी कुछ नहीं पता, मुस्कान को वो चीज़ चाहिए नहीं चाहिए ये भी नहीं पता। तो लोग इस मारे इतना उधार नहीं देते थे, क्योंकि भविष्य में क्या मिलने वाला है क्या नहीं इस बात की कोई श्योरिटी नहीं थी। ये पांच सबसे बड़ी दिक्कत थी वस्तु विनिमय कठिनाइयों की, जिसकी वजह से इस कठिनाई को जो है दूर करने के लिए एक नए सिस्टम को लॉन्च किया गया, जिसका नाम है मुद्रा। मुद्रा क्या है अगर हम बात करें तो, मुद्रा क्या है, मुद्रा की सबसे इजी जो लैंग्वेज परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, जो अर्थ है, वो ये है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा कार्य करे, मुद्रा कार्य करे। कह रहा है भाई पैसा क्या है, मनी क्या है, कह रहा है मनी वो है जो मनी का काम करती है, हर वो चीज़ मनी है जो मनी का काम करेगी। क्वेश्चन ये है मनी के काम क्या होते हैं, भाई अगर मेरे को मनी के काम समझ में आ जाए तो हर वो चीज़ जो वो काम कर दे वो मनी है, हर वो चीज़ जो मनी के काम कर दे वो मनी होती है। क्वेश्चन ये है मनी काम क्या करती है, मनी के काम क्या है, तो भाई सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की चीज़ है, मनी क्यों आई, ये पांच दिक्कतों की वजह से, ये पांच दिक्कतों की वजह से मनी आई है। तो मनी के काम क्या होंगे, मनी के काम यही होंगे जो वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ हैं। मनी के काम को, मुद्रा के कार्यों को दो उसमें बांटा जाता है, सबसे पहला जो होता है वो होता है प्राथमिक, और दूसरा जो होता है वो होता है द्वितीयक। एक होता है प्राथमिक कार्य, एक होते हैं द्वितीयक कार्य, या आप इन द्वितीयक कार्यों को जो है गौण कार्य के नाम से भी जान सकते हो। प्राथमिक कार्य की अगर हम बात करते हैं तो प्राथमिक कार्य के अंदर दो तरीके के कार्य आते हैं। सबसे पहला जो इसके अंदर आता है वो है विनिमय का माध्यम, और दूसरा जो इसके अंदर कार्य आता है वो है सामान्य मूल्य मापक, सामान्य मूल्य मापक, या आप इसको जो है लेखे की इकाई के नाम से भी जान सकते हो, ये भी लिखा हुआ हो सकता है आपकी बुक में। अब ये क्या है, विनिमय के माध्यम का क्या मतलब है, विनिमय के माध्यम का ये मतलब है कि जो वस्तु विनिमय की कठिनाई थी, दोहरे संयोग का अभाव, ये जो इसकी कठिनाई थी कि भाई दो व्यक्तियों को ऐसा खोजना है कि जो मेरे पास है जो उसे चाहिए और जो उसके पास है वो मुझे चाहिए, ऐसे दो बंदों को देखना है। लेकिन जब से पैसा आया है तो ये दिक्कत दूर हो चुकी है, अब भले ही एक बंदा गेहूं के बदले में चावल लेने के लिए तैयार है या नहीं है, लेकिन वो गेहूं के बदले में मुद्रा लेने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। ऐसे बंदे को देखना ही नहीं चाहिए, ऐसे बंदे को देखना ही नहीं पड़ता अब जिसको पैसा चाहिए हो, क्योंकि पैसे से हम जो चाहे जब चाहे जहाँ चाहे बाय कर सकते हैं। तो व्यक्ति को खोजने की ज़रूरत अब हमारे पास नहीं रही है। तो मुद्रा के आने से दोहरे संयोग का अभाव खत्म हो गया। फिर है सामान्य मूल्य मापक का अभाव। पहले हमने बोला भाई किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं होती थी, आज जैसे आज लेकिन आज हर चीज़ जैसे 20 रुपये लीटर जो है दूध है, ठीक है, 30 रुपये किलो चावल है, और जी 20 रुपये मीटर कपड़ा है। तो आज हर चीज़ क्या है, आज हर चीज़ की कॉमन मेजरमेंट है ये क्या है, ये क्या है, ये सब मुद्रा है। तो हर चीज़ आज एक मनी की टर्म में काउंट होती है, सबकी एक कॉमन मेजरमेंट है। द्वितीय कार्य की अगर हम बात करते हैं, द्वितीय कार्य के अंदर तीन तरीके के कार्य आते हैं। सबसे पहला जो इसके अंदर काम होता है वो होता है भावी भुगतान। भावी भुगतान का मतलब क्या होता है, अभी मैंने ऊपर आपको यहाँ पे हम पढ़ रहे थे भावी भुगतान में कठिनाई, तो इसका मतलब क्या है, मैंने बोला लोग उस टाइम पे उधार नहीं देते थे क्योंकि भविष्य में क्या मिलेगा कुछ नहीं पता था।
लेकिन आज लोग उधार देने से नहीं डरते। क्यों? वही एग्जाम्पल अगर लें, अगर मुस्कान ने सबा को बकरा बेच दिया, ठीक है, लेकिन आज बकरे की वैल्यू है ना कि भाई ये जो है 5,000 रुपये का है, आज इसकी वैल्यू है, उस टाइम पे वैल्यू नहीं थी, और इसने इसको दे दिया। लेकिन सबा क्या कहती है, ठीक, अब मुस्कान को पता है कि मुझे 5,000 रुपये ही मिलेंगे, ये तय है, चाहे आज दे, 2 महीने बाद दे, या कुछ भी दे, पैसे मिलेंगे, और कितने मिलेंगे ये भी पता है। तो आज लोगों को पता है कि अगर हम उधार दे रहे हैं तो भविष्य में जब भी कभी मिलेंगे पैसे, मुझे पैसे ही मिलने हैं। तो पैसे ने ये दिक्कत को प्रॉपरली दूर कर दिया है। और भंडारण या मूल्य संचय, ये लिख सकते हो। हम ऊपर पढ़ रहे थे कि भाई वस्तुओं को तो भाई लॉन्ग टर्म तक नहीं रख सकते, दूध, ब्रेड, अंडे, ये तो खराब हो जाते हैं। तो फिर जब से मुद्रा आई है, मुद्रा को हम जितने टाइम तक चाहें उतने टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं, मुद्रा की वैल्यू अपरिवर्तित रहती है। अगर 2,000 रुपये का नोट अगर हम तिजोरी में रख दें तो आज से 5 साल बाद भी वो 2,000 का ही रहेगा, चाहे आंधी आ जाए या तूफान आ जाए, बस मोदी जी कुछ ना कर दें। और लास्ट इसका जो कार्य होता है ये है हस्तांतरण कार्य। हस्तांतरण कार्य का मतलब क्या होता है? हस्तांतरण कार्य का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए ये लड़की का घर हरियाणा में है, ठीक है, ये कह रही, और इसके घर की जो वैल्यू है वो है मान लीजिए लाइक 45 लाख रुपए इसके घर की वैल्यू है, ठीक है। अब ये क्या कहती है, इसका दीदा नहीं लग रहा, ये चाहती है कि सभा के घर के पास जो है घर ले लिया जाए, ठीक है। ये जो है हरियाणा में अभी रहती है और ये चाहती है कि उत्तराखंड पहुंच जाए, ठीक है जी, यहाँ से घर बेच के उत्तराखंड में लेना चाहती है। तो आज ये चीज़ पॉसिबल है, आज ये अपने हरियाणा का घर बेच के, इसके घर की वैल्यू है 45 लाख रुपए, ये बेच के हरियाणा यूके में घर ले ले, यूके बोले तो उत्तराखंड, कहीं यूनाइटेड किंगडम चले जाओ। तो आज आज ये चीज़ पॉसिबल है, लेकिन जब पैसा नहीं होता था तो फिर ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। अगर भाई मेरा घर अगर लक्ष्मी नगर में है तो भाई मैं लक्ष्मी नगर ही सड़ूंगा, मैं ऐसा नहीं अपना घर बेच पे, उस टाइम पे तो मैं घर घर के बदले में कुछ फिर बदलना पड़ता कुछ ना कुछ, लेकिन किसको फ़ायदा हुआ किसको नुकसान हुआ कुछ नहीं पता चलता उसमें भी। तो ये बेसिकली दो तरीके के काम होते हैं मुद्रा के। एक और भी होता है, उसकी अलग कैटेगरी होती है, पर वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसा कोई खास नहीं है। खास जो है वो यही है, आपकी बुक में हो सकता है एक और काम होते हैं, अदर जितने भी फंक्शंस होते हैं मनी के, उसको इस कैटेगरी के अंदर जो है, इस कैटेगरी के अंदर बांट दिया जाता है। जैसे कि साख का कार्य करता है, ठीक है, हम लोन दे सकते हैं आज पैसों से, तो भाई लोन दे सकते हैं, लेकिन जब मनी नहीं हुआ करती थी तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। भाई लोन वाली चीज़ कैसे पॉसिबल हो पाई है? लोन वाली चीज़ मुद्रा की वजह से ही तो पॉसिबल हो पाई है। तो बाकी जितने भी फंक्शंस हैं वो अन्य के अंदर आते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको इतनी बकवास बहुत ही अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। सबा समझ में आ रही है? आ रही है? अब कहाँ गई? हेलो, यस आ रही है समझ में। आ रही है? तो ये बताओ वस्तु विनिमय क्या होता है? मतलब हमारे पास वस्तु है और उसमें हमारे पास जो वस्तु है उसमें मुस्कान मुद्रा क्या होती है? और मुद्रा क्या कार्य करती है? नहीं, मुद्रा के कार्य क्या हैं? अभी हमने क्या टॉपिक पढ़ा है? लेन देन आसान करना। अच्छा, ये मुद्रा के कार्य हैं। और अभी हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा है? इस टॉपिक का नाम क्या था? इस टॉपिक का नाम, मुद्रा सर भी है, मैं कमाती हूँ सर। हाँ, अभी ये काम, हमने ये काम ही तो पढ़ रहे लेन हैं। देन भी तो आसान करता है सर।
हाँ तो बेटा वो विनिमय का माध्यम ही जो आप कह रहे हो, लेन देन को आसान करना, वो विनिमय का माध्यम ही तो है, और क्या है। आज हमें ऐसे बंदे को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि जिसको पैसे चाहिए हो। आज हम गेहूं के बदले में भले ही चावल लेना ना ले, वो पैसे लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो वो यही है। देखिए अब हम बात करते हैं इसके प्रकार की, ये जो है कितने तरीके की होती है। तो अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो ये जो है कई सारे तरीके की होती है। बहुत मुद्रा जो है मुद्रा जो है मुद्रा के कई सारे प्रकार होते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं लाइक क्या कहते हैं इसको हिंदी में, चलो मैं अभी पहले आपको वो बता देता हूँ। इंग्लिश में मुझे याद है, अभी हिंदी में याद नहीं आ रहा। सबसे पहला जो होता है ये होता है फिएट मनी, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं न्यास मुद्रा। ये क्या होती है न्यास मुद्रा? न्यास मुद्रा का मतलब ये होता है कि जिस मुद्रा को कानून द्वारा मुद्रा घोषित कर दिया जाता है, जिस मुद्रा को, नहीं आप इससे बढ़िया इसमें तुम्हें पहले हिंदी में लिखवाता हूँ, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए बस, क्योंकि इसके ना कई सारे नाम हैं। आपकी बुक में कुछ और नाम लिखे हुए होंगे और मैं जो लिखवाऊंगा वो तुम्हारी बुक में फिर कुछ और मिलेंगे तुम्हें नाम। इससे बढ़िया है तुम्हारी बुक वाले ही लिखवा देता हूँ मैं, नहीं तो तुम क्या हो गए, तुम्हारी बुक में आई नहीं, तो ये कौन से लिखवा दिए तुमने। आप जो है इसके अंदर लिखिए सबसे पहला, देखिए सबसे पहले जो है, सबसे पहला जो होता है इसको कहते हैं प्रमाणिक सिक्के। प्रमाणिक सिक्के जो हैं क्या होते हैं पहले ज़रा ये समझिए। प्रमाणिक सिक्के का मतलब ये होता है, बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, पहला है प्रमाणिक सिक्के और दूसरा है सांकेतिक सिक्के। हो सकता है इसके भी कई सारे नाम होते हैं, हो सकता है आपकी बुक में जो है इसको कुछ और लिखा हुआ हो। इन दोनों सिक्कों को समझने के लिए सबसे पहले आपको दो वर्ड समझने पड़ेंगे। सबसे पहला जो होता है, सबसे पहला जो, किसको आवाज़ नहीं आ रही? तो आवाज़ नहीं आ रही तो मैसेज कहाँ कर रही है, किसको मैसेज कर रही है? सर तो मुझे क्यों नहीं कर रही? यहाँ पे यहाँ तो नहीं कर रही है ये मैसेज, मुझे नहीं कर रही थी, तुम्हें कर रही है तुम्हारी। हाँ भाई अब तो बकरा दिया है ना। अच्छा तो दोबारा ज्वाइन करो, दोबारा आ जाओ, दोबारा आ जाओ फिर आ जाएगी। देखो अभी आ जाए, पहला जो वर्ड होता है ये होता है प्रिंट वैल्यू और दूसरा जो होता है ये होता है मेटल वैल्यू। प्रिंट वैल्यू क्या होती है और मेटल वैल्यू क्या होती है पहले ज़रा जो है ये समझिए। प्रिंट वैल्यू का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए ये 5 रुपए का सिक्का, इस पे 5 रुपए छपे हुए हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, प्रिंट का मतलब क्या है, उसमें कितने रुपए छपे हुए हैं। तो कितने रुपए छपे हुए हैं उसमें, 5 रुपए छपे हुए हैं, तो वो हो गई प्रिंट वैल्यू। मेटल वैल्यू का क्या मतलब है कि इस 5 रुपए के अंदर, अब जो सिक्का बनता है उसके अंदर कोई ना कोई धातु लगी हुई होगी, उसके अंदर कितने रुपए की धातु लगी हुई है, कितने रुपए का मेटल लगा हुआ है, उसको कहते हैं मेटल वैल्यू। जरूरी नहीं है कि अगर वो उस पे 5 रुपए छपे हुए हैं तो उसमें 5 रुपए का ही मेटल लगा हुआ हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रमाणिक सिक्कों के रिगार्डिंग। प्रमाणिक सिक्कों के अंदर क्या होता है, प्रमाणिक सिक्कों के अंदर जो प्रिंट वैल्यू होती है वो बराबर होती है मेटल वैल्यू के। प्रिंट वैल्यू और मेटल वैल्यू दोनों वैल्यू आपस में जो है, बराबर होती हैं। मतलब कि अगर प्रिंट जो हैं 5 रुपये हुए हुए हैं तो उसके अंदर जो धातु है वो भी 5 रुपये की ही लगी हुई होगी। पहले के ज़माने में इसी तरीके के सिक्के चलते थे, पर अब इस तरीके के जो हैं नहीं चलते हैं। सांकेतिक सिक्के कौन से होते हैं?
सांकेतिक सिक्के का मतलब ये है, सांकेतिक सिक्के का मतलब ये है कि इसकी जो प्रिंट वैल्यू जो होती है ना, प्रिंट वैल्यू वो ग्रेटर देन होती है इसकी मेटल वैल्यू से। मतलब कि अगर 5 रुपये प्रिंट हुए हुए हैं तो उसके अंदर जो धातु है वो मान लीजिए 3 रुपये का लगा हुआ है, 5 रुपये का नहीं लगा हुआ। मतलब कि अगर हम किसी भी सिक्के को पिघाल कर अगर हम उसमें से मेटल निकालना चाहें तो भैया वो जो है क्या होगा, वो उससे कम का निकलेगा, उसको कहते हैं मेटल वैल्यू। तो वो हो गई सांकेतिक सिक्के। ये दोनों आपके बुक में और भी कुछ लिखे हुए हो सकते हैं, टोकन मनी वगैरह भी किसी किसी बुक में लिखा रहता है। इसी तरीके से एक और मुद्रा होती है, इसको हम कहते हैं साख मुद्रा। साख मुद्रा जो है वो सेम ऐसे ही है सांकेतिक सिक्के की तरह, लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे, सिक्के की बात कर रहे थे। अब मान लीजिए 2000 रुपये का नोट है, ठीक है भाई, 2000 रुपये का नोट है, तो इस पे प्रिंट कितने हुए हुए हैं, प्रिंट वैल्यू कितनी है इसकी, प्रिंट वैल्यू जो है वो इसकी 2000 रुपये है, लेकिन इसकी जो कॉस्टिंग है, मतलब कि कॉस्टिंग वैल्यू कितनी है इसको बनाने में, क्या 2000 रुपये अगर इस पे छपे हुए हैं तो क्या इसका ये मतलब है कि इसको बनाने में 2000 रुपये लगे हैं, नहीं, इसके निर्माण की जो लागत है वो 2000 रुपये थोड़ी है। ये 2000 रुपये का नोट ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 रुपये में बन जाता है, 2 से 3 रुपये में, ये भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं। तो ये क्या है, ये बिल्कुल सेम ऐसे ही है कि भाई प्रिंट, वो सिक्कों की बात चल रही थी बस, कि भाई प्रिंट वैल्यू इज़ ग्रेटर देन कॉस्टिंग वैल्यू। तो ऐसी मुद्रा को क्या कहा जाता है, साख मुद्रा कहा जाता है। अगली जो मुद्रा होती है उसको हम कहते हैं आदेश मुद्रा। आदेश मुद्रा जो है ये क्या होती है, आदेश मुद्रा का जो है सीधा सीधा मतलब है, जो सरकार के आदेश पर प्रचलन में लाई जाती है। जो सरकार ने बोल दिया कि जी ये मुद्रा है तो वो मुद्रा है, जो सरकार ने बोल दिया कि भाई ये मुद्रा नहीं है वो मुद्रा नहीं होती। मतलब कि अगर मोदी ने बोल दिया कि भाइयों बहनों आज रात 12 बजे से 500 हज़ार के नोट बंद, तो वो बंद, अब वो मुद्रा नहीं रही, अब हम उससे ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। अगर मोदी बोल दे आप सबके फ़ोन कल से मुद्रा हैं, तो वो मुद्रा हैं, हम फिर फ़ोन से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जिसको भी सरकार बोल दे कि भाई ये मुद्रा है वो मुद्रा कहलाएगी, तो वो होती है आदेश मुद्रा। अगली जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं उच्च शक्तिशाली मुद्रा। उच्च शक्तिशाली मुद्रा जो है कौन सी होती है, आप इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि आरबीआई की जो दायित्व होते हैं ना, आरबीआई का जो उधार होता है वही जो है उच्च शक्तिशाली मुद्रा होती है। आरबीआई की संपूर्ण देयता, ये लिख सकते हो आप, उधार या दायित्व या देयता, दायित्व को देयता ही कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जो है हाई पावर्ड मनी के नाम से जानते हैं, उच्च शक्तिशाली मुद्रा। तो ये कई सारे तरीके की होती है, प्रमाणिक सिक्के, सांकेतिक सिक्के, साख मुद्रा, आदेश मुद्रा, उच्च शक्तिशाली मुद्रा, ठीक है। और जो ये जो आदेश मुद्रा होती है, जो ये आदेश मुद्रा होती है इसी को जो है बेटा, इसका आपकी बुक में इसको ये भी लिखा हो सकता है विधि ग्रह मुद्रा, ये भी लिखा हो सकता है विधि ग्रह मुद्रा, ठीक है। और ये जो विधि ग्रह मुद्रा जो होती है ये 2 तरीके की होती है, एक होती है सीमित और एक एक दूसरी होती है, एक होती है असीमित। सीमित विधि ग्रह मुद्रा और असीमित विधि ग्रह मुद्रा। अब ये क्या होती है ये समझिए, सीमित विधि ग्रह मुद्रा का मतलब ये होता है कि
कि जब हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं और उसको पेमेंट करते टाइम अगर किसी जितनी भी मुद्रा प्रचलन में है अभी, अगर उसमें से किसी मुद्रा पे बाउंडेशन है, जैसे मान लो अगर मुझे किसी को 1 लाख की पेमेंट करनी है, तो वो कह रहा है कि भाई अगर आपके पास कॉइन्स हैं, अगर मैं उसको मान लो मेरे पास 1-1 रुपये के कॉइन है, तो वो कह रहा है भाई मैं ये तो इतना ही एक्सेप्टेबल है, उससे ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं लूँगा। तो वो होगी सीमित, जिस मुद्रा की बाउंडेशन है जिसको इससे ज़्यादा एक्सेप्ट किया जा सकता, और जिसकी बाउंडेशन नहीं है जितने भी दे दो वो असीमित है। मतलब मोस्टली जो मुद्राएं होती हैं वो असीमित ही होती हैं। अगर आप किसी को 1-1 रुपये के सिक्के दोगे तो भैया वो मना नहीं कर सकता आपको, वो मना नहीं कर सकता लेने के लिए, उसको लेने पड़ेंगे क्योंकि वो वैलिड है और अनुमोदित मुद्रा है और अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी कहलाती हैं ये। उसके बाद हम बात करते हैं, ये हो गया कि भाई वस्तु विनिमय क्या होती है, वस्तु विनिमय की क्या कठिनाइयाँ होती है, मुद्रा क्या होती है, मुद्रा के क्या कार्य होते हैं और मुद्रा जो है वो क्या क्या काम करती है। ठीक है, ये जो है आपने अभी पढ़ लिया है। उसके बाद हम बात करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको कहते हैं बेटा मुद्रा की पूर्ति। ये मुद्रा की पूर्ति जो है ये क्या होती है, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा। मुद्रा की पूर्ति का मतलब, इसका नाम और इसका काम दोनों अलग अलग हैं। इसके नाम से तो ये लग रहा है पैसे कहीं से आ रहा है, लेकिन इसका मतलब पैसे का कहीं से आने का वो नहीं है इसका लिंक। ठीक है, मुद्रा की पूर्ति की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि समय के एक निश्चित बिंदु पर, समय के एक निश्चित बिंदु पर जनता के पास जितनी भी करेंसी होती है, निश्चित बिंदु पर जनता के पास जितनी भी करेंसी होती है, चाहे वो नोट हो चाहे वो सिक्के हो, सभी मिला के एक समय के एक निश्चित बिंदु पे, उसको बेटा मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। क्वेश्चन ये, समय का एक निश्चित बिंदु का मतलब क्या है? एक एग्जैक्ट डेट पे पब्लिक के पास जितना भी पैसा होता है वो मुद्रा की पूर्ति होती है। जैसे कि हम बात करें अगर 8 नवंबर 2016 की, क्या हुआ था इस दिन हुई थी नोटबंदी। ठीक है, क्या हुई थी इस दिन हुई थी नोटबंदी। तो अगर मैं बोलूं 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी वाले दिन जनता के पास 200 करोड़ रुपए निकले, तो ये 200 करोड़ रुपए क्या कहलाएंगे? ये 200 करोड़ रुपए कहलाएंगे मुद्रा की पूर्ति, क्योंकि ये क्या है? ये है समय का एक निश्चित बिंदु। ये समय का एक निश्चित बिंदु है 8 नवंबर 2016, और उसने बोला कि 8 नवंबर 2016 को जनता के पास समय के निश्चित बिंदु पे जनता के पास जितना भी पैसा होगा वो होती है जी। तो भाई हमारा एक समय का एक निश्चित बिंदु क्या है? 8 नवंबर, और कितना पैसा है पब्लिक के पास? 200 करोड़ रुपए। तो ये मुद्रा की पूर्ति है। बट बेटा जनता के, आप कौन से पैसों की बात कर रहे हो? पैसा हाथ में है, अलमारी में रखा है, बैंकों में रखा हुआ है, लोगों ने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, आप कौन से पैसे की बात कर रहे हो भाई? पैसा जो है जरूरी थोड़ी हमारे घर के अंदर ही रखा हुआ हो, अलमारी के अंदर जरूरी थोड़ी है। पैसा हमारे बैंकों में भी हो सकता है, अकाउंट जो है पोस्ट ऑफिसों में भी खुलते हैं, बैंकों में भी खुलते हैं, लोग अपने पैसों की FDs भी कराते हैं, लोग उससे सिक्योरिटीज़ भी खरीदते हैं, शेयर्स भी खरीदते हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं, लोग तो अपने पैसों का बहुत कुछ करते हैं। तो आप कौन से पैसे की बात कर रहे हो? ये जो है आपको ज़रा यहाँ पे समझना है कि भैया यहाँ पे जो है कौन से पैसे की जो है बात हो रही है, पहले आप ज़रा ये समझिए। तो यहाँ पे जो है, एक मिनट रुकिए ज़रा, यहाँ पे जो है इस चीज़ को समझने के लिए
एक नया कॉन्सेप्ट है, इसको कहते हैं मुद्रा की पूर्ति के माप। आरबीआई ने क्या करा, इसका सॉल्यूशन करने के लिए इसके अलग अलग माप बना दिए। जैसे कि एक होता है M1, एक होता है M2, एक होता है M3 और एक होता है M4। अब ये क्या दिक्कत है, ये दिक्कत है कि भाई लोगों को, आप कौन से पैसे की बात कर रहे हो। समय के एक निश्चित बिंदु पे M1 के कुछ घटक हैं, M2 के कुछ घटक हैं, M3 के कुछ घटक हैं, M4 के हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं M1 की, M1 में किस किस चीज़ों को काउंट किया जाता है। M1 के अंदर काउंट किया जाता है जनता के पास जितनी भी करेंसी है वो, इसको काउंट किया जाता है। बैंकों के पास जितनी भी मांग जमाएं हैं वो, ये मांग जमाएं क्या होती हैं अभी हम इसके रिगार्डिंग बात करते हैं। और केंद्रीय बैंक के पास, आरबीआई के पास जो अन्य जमा है उसकी, इन तीनों का जो सम होता है वो M1 के अंदर काउंट किया जाता है। ये क्या होती हैं अभी तीनों चीज़ें, अभी हम इसके रिगार्डिंग बात करते हैं। M2 की अगर हम बात करें तो M1 के अंदर जो चीज़ें आती हैं, M1 के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो तो आएगा ही आएगा, प्लस इसके अंदर डाकघर की बचत जमाएं, ये क्या होती हैं अभी मैं बताता हूँ, पहले मैं तीनों लिख देता हूँ। तीसरी अगर हम बात करें M3 की, तो M3 के अंदर क्या क्या आएगा, M1 के अंदर जो आएगा वो सारी की सारी। और बैंकों के पास सावधि जमा, ये क्या होती है, दो दो जमा आ गई हैं, एक है सावधि जमा और एक है मांग जमा। ये क्या होती हैं अभी मैं बताता हूँ, और ये डाकघर की बचत जमा है, ये क्या होती हैं ये इसके रिगार्डिंग भी अभी हम बात करते हैं। उसके बाद आते हैं M4। M4 के अंदर क्या होता है, M4 के अंदर आता है M3 और इसके अंदर आते हैं डाकघर की समस्त जमाएं NSC छोड़कर। अब ज़रा ध्यान से समझेंगे बेटा, बहुत ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। इन दोनों को जो है मोस्टली संकुचित मुद्रा के नाम से जानते हैं, संकुचित मुद्रा, ठीक है। और इन दोनों को जो है मोस्टली विस्तृत मुद्रा के नाम से जानते हैं। विस्तृत मुद्रा एक होती है संकुचित मुद्रा, पूछ सकता है एग्जाम में, और एक होती है विस्तृत मुद्रा। तो कौन सी संकुचित होती है और कौन सी विस्तृत होती है ये आपको पता होना चाहिए। हम जो अपना खाता खुलवाते हैं, जो अपना अकाउंट खुलवाते हैं, वो हम बेटा बैंकों के अंदर भी खुलवा सकते हैं, बैंक भी हमको ये फैसिलिटी देता है अकाउंट खुलवाने की। और जो पोस्ट ऑफिस होते हैं जिनको हम डाकघर कहते हैं, पोस्ट ऑफिसों के अंदर भी हम अपने अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, सेम वो सर्विस देता है जो बैंक देता है। डाकघरों के अंदर भी, पोस्ट ऑफिसों के अंदर भी अकाउंट ओपन किए जाते हैं, सेम जैसे बैंकों में खुलते हैं, पासबुक मिलती है, सब कुछ होता है जो बैंकों के अंदर होता है सब कुछ होता है पोस्ट ऑफिसों के अंदर। क्वेश्चन ये है कि अकाउंट कितने तरीके का होता है, कौन कौन से अकाउंट हम ओपन करवा सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। पहले जो है उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मांग जमाएं और सावधि जमाएं क्या होती हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए अकाउंट कितने तरीके का होता है, तब जाके ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा सारा का सारा। और ऊपर ये जो M1 M2 था, ये सारा का सारा करें तो अकाउंट जो है कई सारे तरीके के होते हैं, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, हमें बेसिकली तीन तरीके के जो अकाउंट होते हैं मेन, वो आपको जो है पता होने चाहिए। सबसे पहला जो अकाउंट होता है वो होता है सेविंग अकाउंट, जिसको हिंदी में बचत खाता कहते हैं, सेविंग अकाउंट। ये क्या दिक्कत होती है और कौन खुलवा सकता है ये समझिए जरा। बचत खाता जो है ये क्या होता है, सेविंग अकाउंट किसके लिए होता है, इसको खुलवाने के क्या फायदे होते हैं और कौन लोग इसको खुलवा सकते हैं।
सेविंग अकाउंट जो है, जो हमारे जो अकाउंट होते हैं वो सेविंग अकाउंट ही होते हैं। ये जो है, ये अकाउंट उन लोगों का खुलता है जिनको रोज़ बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब जिनका बैंक से रोज़ का लेना देना नहीं है, उन लोगों का जो अकाउंट खुलता है वो बचत खाता खुलता है, सेविंग अकाउंट। हम लोग, हमारा बैंक से हमारा कोई बिजनेस थोड़ी ना चल रहे हैं जो कि हम रोज़ बैंक के अंदर ट्रांजेक्शन करेंगे, रोज़ तो ट्रांजेक्शन करने की नीड ही नहीं है हमें। तो जिन लोगों को रोज़ ट्रांजेक्शन करने की नीड नहीं होती, वो बचत खाता जो है उनका बैंक ओपन करके देता है। तो बचत खाता जो है वो बेसिकली परिवार जो होते हैं, फैमिली वगैरह जो होती हैं, उनके लिए ही ओपन किया जाता है। इसके अंदर हमारा ओपन होता है, हम अपने पैसे जमा कराते हैं, इसके अंदर बैंक हमको ब्याज भी देता है। अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम यहाँ पे जमा करा सकते हैं, यहाँ पे ब्याज भी हमको मिलता है अगर हम अपने पैसे जमा कराते हैं तो। लेकिन वो जो है बहुत ही ज़्यादा कम होता है। दूसरा जो अकाउंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं चालू खाता। चालू खाते का मतलब होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कौन ओपन लोग कराते हैं, करंट अकाउंट ओपन कराते हैं व्यापारी जिनको रोज़ ट्रांजेक्शन करने की नीड होती है, रोज़ पैसे निकालने हैं, रोज़ डालने हैं, रोज़ ट्रांजेक्शन होगा, तो उसके लिए बैंक उनका सेविंग अकाउंट नहीं खोलता, उसका जो है करंट अकाउंट ओपन किया जाता है, यहाँ पे ब्याज जो है वो नहीं मिलता। और तीसरा जो अकाउंट होता है ये होता है सावधि खाता। इस खाते के अंदर क्या खास बात होती है, ये मोस्टली हम लोग ओपन कराते हैं, परिवार वगैरह ही जो है ओपन कराते हैं। इसमें जो ब्याज होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा। क्यों? इसके अंदर क्या होता है, अगर हम ये अकाउंट खुलवाते हैं तो इसके अंदर हम पैसे पर्टिकुलर टाइम के लिए फिक्स कर देते हैं। जैसे मान लो अगर मेरे पास 2 लाख रुपए है और मैंने सावधि खाता खुलवा लिया, तो आपसे पूछेंगे कितने साल के लिए खुलवाना चाहते हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल। जितने ज़्यादा टाइम के लिए खुलवाओगे उतना ज़्यादा ब्याज मिलेगा आपको। FD कहते हैं इसको शॉर्ट में, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। मैंने मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, मैं 5 साल के लिए करवाना चाहता हूँ FD, तो 5 साल से पहले मैं उस पैसे को नहीं छेड़ सकता, मुझे जो पैसे मिलेंगे 5 साल बाद ही मिलेंगे ब्याज समेत सुत्ता। तो इसमें पैसा ब्लॉक हो जाता है पर्टिकुलर टाइम के लिए। अब तो कई सारी तरीके की FDs आ रही है आजकल, तो फ्लेक्सिबल FDs आती हैं जिसमें पैसा जब चाहे निकालो, जो मन है वो करो अपना। तो अकाउंट कई सारे तरीके के होते हैं, हमें इतना ये पता होना चाहिए। इन दोनों अकाउंटों के अंदर जो पैसे जमा होते हैं ना, उसको जो है मांग जमाएं कहते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रख लीजिए। इसका मतलब है मांगने पर कभी भी निकाल सकते हैं इन दोनों अकाउंटों के अंदर पैसे। लेकिन मैंने बोला भाई इसका तो नहीं निकाल सकते, तो इस खाते के अंदर जो अमाउंट पैसे जो जमा होते हैं उसको जो है सावधि जमाएं कहते हैं, क्योंकि मांगने पे नहीं निकाल सकते, एक मैच्योरिटी डेट के बाद ही इसके अंदर पैसा निकल सकता है। तो इसके ऊपर डिफरेंस भी आ जाता है कभी कभार कि जी मांग जमाएं और सावधि जमाएं क्या होती है। तो ये जो है सबसे पहली बात तो अधिक तरल होती हैं और ये जो है कम तरल होती हैं। तरल का मतलब क्या होता है, तरल का मतलब ये होता है जिस भी लिक्विडिटी, जिस भी चीज़ को हम तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने बोला भाई मांग जमा को तो आप जब चाहे तब निकाल सकते हो पैसा, तो ये अधिक तरल है। मैंने बोला जी इसमें नहीं निकाल सकते, इसमें तो मेच्योरिटी डेट होती है तो ही निकलता है, इससे पहले नहीं निकल सकता। इसके अंदर पैसा चेक से निकाल सकते हैं, इसके अंदर पैसा चेक से नहीं निकलवा सकते हैं, ठीक है। ये जो है आपका बचत खाता या चालू खाता किसी से भी लिंक्ड हो सकता है, लेकिन ये जो है ये केवल आपका सावधि खाते के अंदर ही होता है। ये डिफरेंस है इसके अंदर, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मांग जमा और सावधि जमा। अब मैं आपको ऊपर एक टॉपिक पढ़ा रहा था, ये हमने बकवास क्यों पढ़ी है सारी की सारी, क्योंकि हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे M1, M2, M3, M4। यहाँ पे अब आपको ये समझ में आ गया होगा, जनता के पास जितना पैसा है वो, बैंकों के पास जितनी भी डिमांड डिपॉजिट है वो, जो मांगने पे कभी भी निकाल सकते हैं, और RBI के पास जितनी भी अन्य जमाएं वो। अन्य जमाएं क्या होती है, इतना कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये 3 चीज़ें M1 के अंदर आती है।
M2 के अंदर क्या थी, इसमें डाकघर की कोई भी बात नहीं हो रही है। M1 में डाकघर के अंदर जो अकाउंट्स ओपन हुए हुए हैं उनकी कोई भी बात नहीं होती, M2 में होती है। M1 के अंदर जितना भी पैसा है वो, और अब डाकघर के अंदर भी यही सारे अकाउंट होंगे, लेकिन कौन से अकाउंट की बात कर रहा है ये, केवल बचत जमाओं की, बचत खाते की बात कर रहा है। डाकघर के अंदर चालू खाता भी होता है, FD भी होती है, सब चीज़ होती है, लेकिन कौन सी बात कर रहा है ये, बचत की केवल। फिर आता है M3, फिर कौन सी कह रहा है, फिर कौन सी कह रहा है, फिर आ रहा है अभी यहाँ पे भी देख लीजिए, बैंकों के पास केवल मांग जमाई की बात कर रहा है, सावधि की नहीं। सावधि वाली कौन सी होती है भी मैंने बता दिया आपको, और यहाँ पे भी केवल बचत की जमाओं की बात कर रहा है, मांग जमाओं की। आप कह रहे हैं बैंकों के पास सावधि जमा, सावधि जमाएं कौन सी होती है जिन्हें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद निकाल सकते हैं, तो इसमें वो आता है डाकघर की नहीं, केवल बैंकों की। फिर आती है डाकघर की बात है, डाकघर की समस्त जमाएं सारी की सारी, यहाँ पे लिखा हुआ है NSC को छोड़कर। NSC का मतलब होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये एक तरीके की सिक्योरिटी होती है, ठीक है, जिसका मिनिमम टाइम लॉक 5 साल से ऊपर का होता है, इसलिए इसमें इसको काउंट नहीं किया जाता। तो ये सब चीज़ें क्या है ये अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको मांग जमा, सावधि जमा, अकाउंट क्या होता है, कहाँ कहाँ ओपन करवा सकते हैं, बैंक क्या होता है, डाकघर क्या होता है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, अगर ये मुद्दा आपको क्लियर है नीचे वाला, तो अब आप उसको बहुत ही आराम से समझ सकते हैं। इस टॉपिक का नाम था मुद्रा की पूर्ति क्या होती है और उसको कैसे कैसे हम मेज़र कर सकते हैं। बिल्कुल सिमिलरली इसी के अंदर एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं बेटा मुद्रा की मांग। अभी हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है मुद्रा की पूर्ति, अब हम पढ़ रहे हैं मुद्रा की मांग। मुद्रा की मांग क्या होती है, मुद्रा की मांग का मतलब होता है कि लोग अपने पास कितना पैसा रखना चाहते हैं, रखना चाहते हैं हाथ में कितना पैसा अपने पास लोग रखना चाहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मुद्रा की मांग। तो एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है किन्स, उन्होंने मुद्रा की मांग को उसने बताया कि लोग अपने पास पैसा क्यों रखना चाहते हैं। भाई मैंने बोला मुद्रा की मांग का मतलब क्या है, लोग अपने पास हाथ में पैसा रखना चाहते हैं, जैसे मुस्कान अपने पर्स में पैसे रखना चाहती है, तो मुस्कान क्यों रखना चाहती है, इस अर्थशास्त्री ने इस चीज़ का आंसर दिया है कि मुस्कान ऐसा क्यों कर रही है, मुस्कान अपने पास पैसा क्यों रखना चाहती है। तो किन्स ने उसके कारण बताए हैं मुद्रा की मांग के, कि भाई बंदा अपने पास पैसा 3 पर्पस के लिए रखता है। सबसे पहला जो इसका पर्पस होता है वो होता है लेन देन उद्देश्य का मतलब क्या होता है, लेन देन उद्देश्य का मतलब होता है भाई अपना घर चलाने, अगर तो घर चलाने के लिए घर में पैसे होने चाहिए ना, रोज का दूध, ब्रेड, अंडे, दाल, चावल, रोटी, पानी, सब्जी सब आएगी, कहाँ से आएगी, जब घर में पैसे होंगे तभी तो आएगी, ये नहीं कि सारा पैसा जो है बैंकों में जमा कर दिया, ऐसे थोड़ी ना आएगी, और फिर रोज के अंडे, दूध, ब्रेड, अंडे, नाश्ता, सब्जी लानी है, बैंक जाएंगे पैसे निकाल के लाएंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। अपने घर में कुछ पैसे रखते हैं ना, तो सबसे पहला मोटिव तो यही है लेन देन उद्देश्य। दूसरा जो उद्देश्य होता है इसको कहते हैं सत्कर्ता उद्देश्य। सत्कर्ता उद्देश्य का मतलब क्या होता है, सत्कर्ता उद्देश्य का मतलब होता है कि भाई कोई इमरजेंसी आ गई, जैसे कि मान लीजिए भाई कोई मेडिकल वो हो गया, ठीक है, मेडिकल पर्पस हो सकता है, एजुकेशन हो सकती है, ठीक है, या मेडिकल पर्पस हो सकता है, एजुकेशन हो सकती है, मैरिज हो सकती है, शादी ब्याह, जन्मदिन, शिक्षा, स्वास्थ्य, तो कुछ भी हो सकता है, बंदा अपने पास पैसा रखता है ना, कुछ भी इमरजेंसी क्रिएट हो सकती है, कोई बीमारी किसी को बता के नहीं आती है, ठीक है, किसी की शादी होनी है घर में, किसी का बर्थडे है, या एजुकेशन पर्पस के लिए पैसा चाहिए, इसलिए लोग अपने पास पैसा रखते हैं, उस चीज़ को यहाँ पे सत्कर्ता उद्देश्य के नाम से बताया गया है। और लास्ट अपने पास जो बंदा पैसा रखना चाहता है उसको हम कहते हैं सट्टा उद्देश्य। क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं सट्टा उद्देश्य। सट्टा का मतलब क्या होता है, सट्टा का सीधा सीधा मतलब है जुआ खेलना, ठीक है, पैसे से पैसे बनाना, उसको सट्टा कहते हैं, ठीक है, कहाँ खेलना है, कैसे खेलना है,
वो हम बाद में बात करेंगे कि कहाँ कहाँ सट्टा खेला जाता है। फिलहाल इस बंदे ने ये बताया कि लोग अपने पास पैसा क्यों रखना चाहते हैं। मुद्रा की मांग का मतलब है कि भाई लोग अपने पास कितना पैसा रखना चाहते हैं, वो मुद्रा की मांग होती है। और क्यों रखना चाहते हैं भाई, डेली अपना खर्चा चलाने के लिए, इन पर्पस के लिए, या सट्टा खेलने के लिए। अब ये जो दो उद्देश्य हैं, ये वाले जो उसने बताए हैं, लेन देन उद्देश्य और सत्कर्ता उद्देश्य, इसमें क्या होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो इसकी भी मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लोग अपने पास ज़्यादा पैसे रखते हैं, ज़्यादा मेडिकल, एजुकेशन, मैरिज, ये सब ज़्यादा होता है। और जब लोगों की इनकम कम होती है तो लोग फिर इन सब चीज़ों की डिमांड भी कम कर देते हैं, मुद्रा की मांग जो है कम हो जाती है। इन दोनों के साथ इनकम का कैसा रिलेशन है, प्रत्यक्ष रिलेशन है, सीधा संबंध है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसकी सत्कर्ता उद्देश्य की, सत्कर्ता उद्देश्य के अंदर हमें देखना है ब्याज की दर से। जब ब्याज की दर ज़्यादा होती है तो लोग अपने पास पैसा रखना नहीं चाहते। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि मुस्कान के पास 10,000 रुपये हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा बेटा, अगर मैं बोलूं मुस्कान के पास 10,000 रुपये हैं और अगर बैंक के अंदर पहले अभी इस टाइम पे 10% की ब्याज की दर मिल रही थी, मतलब 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000 रुपये। तो अगर बैंक में मुस्कान ये पैसे जमा कर दे तो उसको 10,000 पे 1,000 रुपये मिलेंगे। और अगर अब बैंक की दर 20% हो जाए तो 2,000 मिलेंगे, 30% हो जाए तो 3,000 रुपये मिलेंगे। तो क्या मुस्कान अपने पास पैसा रखना चाहेगी अगर ब्याज की दर बढ़ती रहे? नहीं, मुस्कान अपने पास पैसे नहीं रखना चाहेगी। मुस्कान चाहेगी मैं बैंक में जमा कर देती हूँ, भाई 10 पे 1,000 मिल रहा है, क्या बुरी हो रही है, 20% हो गई अगर तो 2,000 मिलेंगे, 30% हो गई तो 3,000 मिलेंगे। तो जैसे जैसे ब्याज की दर बढ़ती है, मुद्रा की मांग जो है, मांग किसकी, मुद्रा की, घट जाती है। लोग अपने पास पैसा नहीं रखना चाहते क्योंकि बाहर फायदा है ना, बाहर लगाएंगे तो पैसा ज़्यादा मिल रहा है आपको। लेकिन जब भार कम होता है ब्याज, तो लोग अपने पास पैसा रखना चाहते हैं। जब अबे जब मान लीजिए 10,000 रुपये अगर 1% का ब्याज मिलेगा, 100 रुपये अगर मिलेगा, तो कोई भी नहीं रखना चाहेगा, तो बेकार है फिर तो इसका। एक पर सॉरी 10 रुपये अगर मिलेगा, 1,000 का 1% अगर हो गया आपका 1 रुपये, 10 रुपये, तो बेकार है फिर तो, ऐसे का क्या करना, अपने पास रखो पैसा। तो इसका ब्याज की दर के साथ कैसा संबंध होता है, विपरीत, ये ध्यान रखिएगा, ये आपकी बुक के अंदर है। इसको कहते हैं मुद्रा की मांग क्या होती है और ये क्यों होती है। एक लास्ट टॉपिक हो रहा है बेटा इसके अंदर, ये जरा ध्यान से समझिएगा, इसको हम कहते हैं तरलता जाल या तरलता पाश या फंदा। अब ये क्या दिक्कत है, ये दिक्कत ये जो अभी हमने ऊपर पढ़ी है उसी से ही रिलेटेड है। मैंने अभी आपको ये बताया कि जो ब्याज की जो दर होती है, जो सट्टा वाली अभी मैंने आपको भाई, और ये मुद्रा की मांग होती है, इसमें कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है, विपरीत। जब बाहर आपको ब्याज की दर ज़्यादा मिल रही होती है तो आप अपने पास पैसे नहीं रखना चाहते, आप उस पैसे को बाहर इन्वेस्ट करना चाहते हो, और जब कम मिल रही होती है तो आप फिर पैसा रखना चाहते हो। किसकी मांग चल रही है, मुद्रा की मांग, ठीक है, मुद्रा की मांग की बात चल रही है। तो उल्टा रिलेशन है। तो इसका कर्व किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। डिमांड कर्व किस तरीके से बनेगा इसका, इस तरीके से इसका कर्व बनेगा कि भाई जब ब्याज की दर ज़्यादा है, मान लो 8% है, तो लोग अपने पास केवल इतना पैसा रखना चाहते हैं, केवल इतना। अगर ब्याज की दर कम हो जाए 6%, तो लोग अपने पास ज़्यादा पैसा रखना चाहते हैं। अगर और कम हो जाए तो लोग अपने पास और ज़्यादा पैसा रखना चाहते हैं, क्योंकि अब बाहर तो बेकार है ना, ब्याज की दर गिरे ही जा रही है, पहले 8 हो गई, फिर 4 हो गई। तो एक टाइम क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, एक टाइम ऐसा आता है जब ब्याज की जो दर होती है ना, ब्याज की जो दर होती है, एक टाइम ऐसा आता है जब वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाती है। मान लो 2% हो गई, 8 से 2% हो गई, गिरते 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 2%। तो अब क्या होगा, अब ये जो कर्व, अभी तो ये ऐसे बन रहा था कर्व, अब क्या होगा, ये कर्व इस तरीके से बन जाएगा, फ्लैट हो जाएगा बिल्कुल। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, अब क्या हुआ, अब ब्याज की दर बहुत ही ज्यादा डाउन चली गई है, अब कुछ भी हो जाए लोग अपने पास ही पैसा रखेंगे। लोगों का ये मानना है
कि भाई इससे नीचे नहीं जाने की, इतनी रहेगी, लोग अब कुछ भी हो जाए ऐसा ही रहेगा। तो ये जो हुआ ना, ये इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस चीज को हम कहते हैं तरलता जाल, या इसको तरलता फंदा भी कह सकते हो, लिक्विडिटी ट्रैप इसको कहते हैं। कि जब अर्थव्यवस्था के अंदर ब्याज की जो दर है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाती है, और ऐसी स्थिति में मुद्रा की जो मांग है ना वो क्या हो जाती है, पूर्ण बेलोचदार हो जाती है। पूर्ण बेलोचदार का मतलब कि अब चाहे ब्याज की दर बढ़े घटे कुछ भी हो, इतनी रहेगी, इसमें चेंज नहीं होने का, फ्लैट हो गया ना बिल्कुल, क्योंकि कर्व, तो ये जो गेस फ्लैट कर्व जो हो गया, इसी को ही तरलता जाल या तरलता फंदा कहते हैं। यहाँ पे मुद्रा की मांग बेलोचदार हो जाती है, चाहे ब्याज की दर बढ़े या घटे, मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ये है आपका बेटा पूरा का पूरा मुद्रा वाला चैप्टर। इसमें आपने जो टॉपिक पढ़े हैं, तरलता जाल क्या होता है, मुद्रा की मांग क्या होती है, मुद्रा की पूर्ति क्या होती है, लोग क्यों मुद्रा की मांग करते हैं, मुद्रा की पूर्ति के माप क्या होते हैं, अकाउंट कितने तरीके के होते हैं, प्रकार, कार्य, वस्तु, विनिमय, इसकी कठिनाइयां, ये सब बात ने जो है अंदर पड़ी है। सवा कुछ समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है या नींद पूरी कर ली? चल जा रही हूँ थोड़ी। आ रही है थोड़ी थोड़ी। तो ये बताओ उस अर्थशास्त्री का क्या नाम है जिसने मुद्रा की मांग बताई है, किन से उसका नाम, टॉपिक है ये तुम्हारे उसमें? नो मुस्कान तुम्हारे में है? सर ये वाला तो है तरलता जाल वाला, और बाकी ये भी एक बारी में आया वाली है। सारे टॉपिक हैं, देख लीजिएगा। मुस्कान आवाज आ रही है?